जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रन फॉर ट्रुथ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी दिखाई जा रही है। इस मंडी में कई वैरायटी के गुड़ मिलता है, जिनमें चाको गुड़, भेली गुड़, लड्डू गुड़ और बर्फी गुड़ सबसे अच्छे होते हैं। आज के वीडियो में आपको सभी प्रकार के गुड़ दिखाया जाएगा और मंडी का परिसर भी दिखाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि किसी भी खबर की अपडेट आपके पास आसानी से और तुरंत पहुँच सके। जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं रन फॉर ट्रुथ। दोस्तों आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर में जो इस समय आप देख पा रहे हैं चारों तरफ, ये एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, पूरे एशिया में इससे बड़ी कोई गुड़ मंडी नहीं है। और इसी के लिए मुजफ्फरनगर काफ़ी फेमस भी है, क्योंकि जो दूर दराज के जो स्टेट हैं और जो दूर दराज के शहर हैं, वहाँ पर यहाँ से गुड़ जो है वो लोड होकर जाता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा गुड़ मिलता है, अच्छी क्वालिटी गुड़ मिलता है। जो क्षेत्र मुजफ्फरनगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो मेरठ हो या उसके आसपास का हो, वहाँ पर जो गुड़ बनता है कोलुओं पर, वो गुड़ यहाँ पर आता है और यहाँ से वो पूरे देश में सप्लाई होता है। तो इसलिए ये एशिया में सबसे ज़्यादा फेमस ये गुड़ मंडी है। तो इसकी पूरी जो पड़ताल है हम आपको दिखाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों हम इस समय मुजफ्फरनगर में हैं, और मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी है जो काफ़ी फेमस है। तो मैं क्या नाम आपका? पूरन सिंह। ये पूरन सिंह जी हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि इस मंडी की खास बात क्या है। जी सर, हमने सुना है कि ये काफ़ी बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, क्या ऐसी है? इसमें सबसे बड़ी मंडी है, चाको गुड़ इसमें ही आता है सबसे ज्यादा। अच्छा, मतलब जो गुड़ है यहाँ पर आता है, और यहाँ से सप्लाई कहाँ कहाँ तक के लिए होता है? मतलब जो अन्य राज्य है उनमें जाता है। अच्छा, तो आप ये बताएं, जैसे यहाँ पर जो गुड़ है, ये गुड़ आता कहाँ से? मतलब जो जो गांव में गुड़ बन रहा है वहाँ से यहाँ पर लोग बेचने आते हैं। बड़ी बड़ी सिल्ली है, गांव में तो छोटे छोटे पाँच पाँच किलो के वो भेले मिलते हैं। तो बड़ी बड़ी सिल्ली क्यों है? ये ना, ये चाकू गुड़ होता है। अरे चाकू नाम है इसका? चाकू गुड़। तो इसकी क्या खास बात है चाकू गुड़? अलग अलग क्वालिटी, चाकू है, लड्डू है, ढैया है, खुरमा पाड़ है, टेढ़ी है, कई क्वालिटी है। क्वालिटी का यहाँ पर गुड़ इस तरह का दिखा दो एक बार बोल दे। जो गुड़ की बहुत सारी वैरायटी है, जिनमें से एक वैरायटी चाको गुड़ है, जो यहाँ का काफी फेमस गुड़ है। और इस गुड़ को हम देखना चाहेंगे इस बार के है। आप देख रहे हैं सिल्ली की तरह गुड़ होता है, और हालांकि थोड़ा हार्ड है, मुलायम भी है, और खाने में तो लाजवाब है एकदम। तो यहाँ पर सबसे फेमस गुड़ कौन सा है? ये चाको गुड़ है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे फेमस गुड़ है वो चाको गुड़ है, बाकी इसके अलावा ढैया है, और कौन सा? लड्डू गुड़ है, आपके पास इस समय कौन सा दिखा सकते हैं? चाकू गोल दुकान। अच्छा, कौन सा गुड़ है ये? भेली। अच्छा, कितना वजन होता है इसमें? इसमें ढाई से तीन किलो। ढाई से तीन किलो वजन। अच्छा, इसका जो कलर है काफी पीला है, काफी सुनहरी कलर का है, तो इसी तरह का बनता है? और आप जिस तरह का कलर है, लाल लेना चाहो लाल लीजिए या पीला ले। एक उठा के दिखा देंगे। लड्डू है, ये लड्डू है, कई वो क्वालिटी कई रहती है। ये बर्फी होती है। अच्छा, ये बर्फी गुड़ है। तो ये बर्फी के पीस बनाए जाते हैं ऐसे ही? हाँ, बनाए जाते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा गुड़ कौन सा लगता है खाने में? बर्फी गुड़ सबसे अच्छा लगता है। इसमें मसाला कम होता है। अच्छा, मतलब नेचुरल है ये, प्राकृतिक होता है, मसाला कम लगाते हैं इसमें। दोस्तों मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी में आप कई प्रकार के गुड़ देख चुके हैं। ये जो इस समय आप मोबाइल की स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये आरती के गोदाम की तस्वीर है। यहाँ पर जितने भी आरती होते हैं, सभी का अलग अलग गोदाम होता है, और उन गोदामों में गुड़ को पैकेटों में पैक करके रखा जाता है। हर प्रकार का जो गुड़ है वो यहाँ गोदाम में मिल सकता है। इस गोदाम से गुड़ को ट्रक अथवा अन्य गाड़ियों में लादकर देश के प्रत्येक कोने तक पहुँचाया जाता है। दोस्तों इस समय हम एक गोदाम में हैं, जहाँ पर कई वैरायटी का जो गुड़ है ये गोदाम में भरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से गोदाम में इस गुड़ के पैकेट रखे गए हैं।
तो आइए दोस्तों, अब मंडी का जो परिसर है उसे आपको दिखाते हैं और इसकी पूरी पड़ताल जो है वो आपको बताते हैं। दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि ये जो मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी है, ये केवल गुड़ मंडी ही नहीं है, यहाँ पर और भी कई तरह का सामान बिकता है।